हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो क्रिकेट न्यूज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्रिकेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहली खबर आ रही इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से। तो आईपीएल के बारे में लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, जो कि आईपीएल का ब्रॉडकास्टर है, उसने बीसीसीआई को एक लेटर लिख दिया है कि आप हमको जल्दी से बताओ इस साल के आईपीएल के बारे में। दरअसल इस साल आईपीएल नहीं हुआ, इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स को काफी सारा लॉस हुआ है और आईपीएल के ऊपर काफी सारा लॉस रिकवर करता है। इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई से ऑफिशियल डिसीजन मांगा इस साल होने वाले आईपीएल के ऊपर। अगर आईपीएल होगा तो एडवर्टाइजिंग से काफी पैसा कमा सकते हैं और अपने लॉस को रिकवर भी करते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं आईपीएल के बारे में ऑफिशियल डिटेल मिल जाए जल्दी से जल्दी। और इस बारे में बीसीसीआई ने भी आईसीसी को लेटर लिख दिया है कि आप जल्दी से इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप ऑफिशियल फैसला ले लो। आईपीएल एक काफी बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और अगर सितंबर से आईपीएल करना तो जुलाई तक आपको कन्फर्मेशन देना पड़ेगा कि 2 महीने का टाइम चाहिए आपको आईपीएल के लिए। इस वजह से हमको जुलाई में उम्मीद है कि ऑफिशियल डिटेल्स आ जाएंगे आईपीएल के ऊपर और जुलाई 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से आईपीएल के ऊपर रफ्तार बढ़ चुकी है फैसला आने की। और जरूर जैसे कोई नया अपडेट आएगा आईपीएल के बारे में मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। अगर मैं अगली अपडेट के बारे में बात करूं तो वो आ रही राशिद खान की तरफ से। तो राशिद खान ने पिछले साल के कैरेबियन प्रीमियर लीग का पार्ट नहीं लिया था, लेकिन इस बार राशिद खान वापस सीपीएल में वापसी करने वाले। जी हां, इस साल राशिद खान अगस्त में होने वाले सीपीएल में खेलेंगे और इस बार वो पार्ट होने वाले बारबाडोस ट्राइडेंट टीम का। जी हां, इस बार राशिद खान बारबाडोस की टीम से खेलेंगे। पहले वो खेलते थे गयाना अमेज़न, लेकिन इस बार वो खेलने वाले बारबाडोस की टीम के साथ में। बारबाडोस की टीम पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो जरूर से राशिद खान के आने के बाद टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो जरूर से इस बार बारबाडोस की टीम खिताब जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अगर मैं अगली अपडेट के बारे में बात करूं तो वो आ रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान टीम के 10 प्लेयर कोविड पॉजिटिव थे, अगली जांच में 6 प्लेयर नेगेटिव आ चुके। जी हां, पाकिस्तान के 6 प्लेयर कोविड नेगेटिव आ चुके। इसमें नाम आता है मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान और शदाब खान का। ये 6 प्लेयर कोविड नेगेटिव आ चुके हैं। अब इनकी एक ओवर टेस्टिंग होने वाली है, जब ये दूसरी ओवर नेगेटिव आएंगे उसी के बाद इनको टीम में लिया जाएगा। अभी पाकिस्तान के सिर्फ 20 प्लेयर ट्रैवल करेंगे इंग्लैंड में। जी हां, तीसरी जगह से 20 प्लेयर इंग्लैंड ट्रैवल करने वाले। इसमें नाम आने वाले मोहम्मद मूसा खान का भी। मोहम्मद मूसा खान भी ट्रैवल कर चुके इंग्लैंड के लिए, वो काफी नए तेज फास्ट बॉलर हैं। तो जरूर से अगर 6 प्लेयर वापस नेगेटिव आएंगे तो कुछ दिनों बाद इनको भी ट्रैवल करने का इंग्लैंड को। तो जरूर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी अच्छी अपडेट आ रही है 6 प्लेयर के नेगेटिव आने के बाद। अगर मैं चौथी अपडेट के बारे में बात करूं वो आ रही अमर वीरदी की तरफ से। तो अमर वीरदी इंग्लैंड के स्पिनर बॉलर, वो सिख कम्युनिटी से आते हैं और उनको वेस्ट इंडीज से होने वाली टीम में शामिल किया गया। जी हां, उनको इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज में। तो जरूर से अमर वीरदी के लिए काफी बड़ी बात। उन्होंने कहा है कि उनको पूरी उम्मीद है उनको एक और टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलने वाला है और मंटी पनेसर के बाद दूसरे सिख प्लेयर होंगे जिनको इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका मिलेगा। तो जरूर से अमर वीरदी की काफी बड़ी बात आ रही है और उसे दूसरे सिख प्लेयर बनने वाले जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और आखिरी अपडेट आ रही ऋषभ पंत की तरफ से। तो जैसे कि हम सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद सब ऋषभ पंत से काफी उम्मीद कर लेंगे। पिछले साल उनको अच्छा नहीं गया ऋषभ पंत के लिए, ऋषभ पंत 2019 बिल्कुल खराब खेले, इस वजह से उनको वनडे T20 से ड्रॉप भी कर दिया गया। लेकिन अब कोच विक्रम राठौर ने कहा है कि ऋषभ पंत ड्रॉप नहीं होने वाले टीम से, उनको टीम में रखा जाएगा, टीम उनसे उम्मीद करने वाले। तो देखते हैं कि ऋषभ पंत कैसा खेलते। जरूर से अगर ऋषभ पंत अच्छा खेले तो टीम के लिए अच्छी बात होने। उसके अलावा ऋषभ पंत को आगे भी टीम मौका मिलेगा, बात कंफर्म करी विक्रम राठौर ने। तो यही था आज की क्रिकेट न्यूज के अंदर। अगर मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, तो क्या आपको पता है कि कुमार संगकारा ऐसे इकलौते प्लेयर है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार 4 सेंचुरी मारी। जी हां, उनके अलावा किसने भी लगातार 4 सेंचुरी नहीं मारी वनडे क्रिकेट में। और उन्होंने ये कारनामा किया था 2015 के वर्ल्ड कप के, जहां पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश के खिलाफ 4 सेंचुरी मारी थी। तो क्या पता है इस फैक्ट के बारे में, आप बताओ मुझे कमेंट में। तो यही था आज इस वीडियो के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।